सो गाइस, आज है ट्रांसफॉर्मेशन का डे 3 और आज करने वाले हम फुल लेग वर्कआउट, जिसके अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं बॉडी वेटेड स्क्वाट से और हमने किया इसका 25 का 3 सेट्स। नाउ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वेटेड सुमो स्क्वाट्स, इसका भी हमने किया 20 रैप्स का 3 सेट्स। और अब हम जो मूव करेंगे वो देखिए, थर्ड सेट है ये हमारा, उसके बाद हम मूव करेंगे लेग प्रेस मशीन पर और लेग प्रेस में भी हमने किया 18 का 3 सेट्स। वेट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और जो कि बहुत ही स्पेक्टेकुलर, बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स एंड लेग्स के लिए। ये हमने किया थर्ड सेट और थर्ड सेट के अंदर हमने परफॉर्म किया 18 रैप और जो हमारा वेट था वो हमने वेट रखा था 70 किलोज के आसपास और आप देख सकते हैं एकदम एग्जॉस्ट हो रही है बॉडी। नाउ जो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करने हैं वो है हमारा लेग कर्ल मशीन, जिसमें हम करेंगे 20 रैप्स का और जो कि होने वाला है 3 सेट्स। सो आपको इसे ध्यान रखना है कि आपका बैक आर्च ना हो ज़्यादा, क्योंकि अगर बैक आर्च होगा तो आपके हैमस्ट्रिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा लेग एक्सटेंशन मशीन, इसमें भी हम करने वाले हैं 20 का 3 सेट्स। आपको ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल मूवमेंट करना है और ऊपर तक पूरा मसल अच्छे तरीके से हिट होना चाहिए। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि होने वाला है स्टिफ लेग डेड लिफ्ट और इसमें भी हम करने वाले हैं 18 के 3 सेट्स। आप वेट अपने अकॉर्डिंग इसमें चूज कर सकते हैं कि आप कितना वेट को लिफ्ट करना चाहते हैं, बट 18 रैप से आपको इसमें कम नहीं करना है और आपको परफॉर्म जो करना है वो 3 सेट्स ही करना है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है हमारा एडक्शन मशीन, जो कि है आपकी इनर थाइस के लिए और ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।